एक और चीज़ थी जो परेशान कर रही थी और वो था इंग्लिश ना बोल पाने का चैलेंज एक इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताती हूँ मुझे क्लास में टीचर ने बोला कि आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है उसमें एक वर्ड था ह्यूज एच यू जी ई मुझे नहीं पता था और मैंने उसको हक पढ़ दिया सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उस वक्त से मेरी इमेज बन गई कि जो नई लड़की आई है ना वो गवार है जब जिंदगी आपको हराती है ना तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं एक उसे डेस्टिनी मानकर एक्सेप्ट कर लो या फिर दूसरा उसे चैलेंज मानकर फाइट बैक करो और हम मिडिल क्लास लोगों के पास फाइट बैक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि जब एक मिडिल क्लास इंसान हारता है ना तो वो अकेला नहीं होता उसके साथ उसकी कई पीढ़ियां हारती हैं ये जो कॉन्फिडेंस आप आज मुझ में देख रहे हैं ये हमेशा से नहीं था ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात करने की मुझ में हिम्मत थी आई कुड नॉट स्पीक अ प्रॉपर सेंटेंस इन इंग्लिश इनफैक्ट इंग्लिश के ऊपर मेरा मजाक बनाया जाता था वहाँ से मैंने ऐसे एग्जामिनेशनस क्वालिफाई किए हैं जिसमें माना जाता है कि वन ऑफ द टफेस्ट इंग्लिश बैंकिंग एग्जामिनेशन में पूछी जाती है एंड जितने स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज हैं और उनको लगता है कि वो बैंकिंग एग्जामिशन या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बारे में नहीं सोच सकते और जो मिथ्स हैं एग्जामिनेशनस के अराउंड कि आपको दस से बारह घंटे पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है वो सब आज हम ब्रेक करेंगे हाय मेरा नाम करिश्मा है आई एम अ बैंकर एंड अ इंटोर मैं यूपी के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मैं एक किसान परिवार से आती हूँ मेरे दादाजी नाना जी या फिर सारी एक्सटेंडेड फैमिली फार्मिंग में ही इन्वॉल्व है लकीली मेरे पापा का सिलेक्शन बी में हो गया था लेकिन मेरे जो भाई हैं और मेरी प्राइमरी एजुकेशन गाँव से ही हुई, हुई वो वक्त इतना मुश्किल था क्योंकि मेरे पापा जो बी में हैं वो कारगिल में पोस्टेड थे जम्मू एंड कश्मीर में और वो टाइम था अराउंड कारगिल वॉर का मम्मा बताते हैं कि उस टाइम एक डेढ़ साल तक ना तो पापा का को कोई कम्युनिकेशन हम तक आया था और जो मम्मी पापा को लेटर्स भेजते थे उनका कोई जवाब नहीं आता था मम्मी सिंगल हैंडेडली हमको संभाल रही थी और एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर कि मम्मी को भैंस का गाय का दूध बेचकर हमारे घर का खर्चा चलाना पड़ा ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं एक बार मम्मी बताती हैं कि गाँव में एक अफवाह फैल गई कि कोई एनिमल है जो रात को बच्चों को उठा ले जाता है तो मम्मी क्या करते थे कि अपना जो नाड़ा होता है उसके दो एंड से एक एंड से मम्मी भैया का पैर बांधती थी और मेरा हाथ बांधती थी सो दैट कि अगर कभी कोई जानवर हमें उठाकर ले जाने लगे तो मम्मी को पता चल जाए इस तरह की सिचुएशन देखी बट चीज़ें तब बदली जब पापा का ट्रांसफ़र हो गया ऐसी जगह जहाँ फैमिली को ले जाना अलाउड था तो पापा और मम्मी ने डिसाइड किया कि हमारी आगे की एजुकेशन के लिए हमें गाँव से बाहर ले जाएंगे और हम पहुँच गए वेस्ट बंगाल के मालदा टाउन हम दोनों का एडमिशन करा दिया गया केंद्रीय विद्यालय में हाँ मैं केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट हूँ जब लगा कि चीज़ें अब दोबारा ठीक हो रही हैं तभी लाइफ ने एक और चैलेंज थ्रो कर दिया फिर से एक इंसिडेंट हुआ लाइफ में मुझे एक प्रॉब्लम हो गई और वो प्रॉब्लम इतनी सीवियर है वो आइडेंटिफाई हुआ इस इंसिडेंट से तो हुआ ऐसा स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में एक सेक्शन था थॉट ऑफ द डे वो थॉट ऑफ द डे इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि उसके लिए सिलेक्ट ऑन द स्पॉट बच्चे किए जाते थे और जो वहाँ जाकर प्रेजेंट करता था पूरा स्कूल उसके लिए क्लैप तो करता ही था साथ में जो प्रिंसिपल सर हैं उसको चॉकलेट या फिर कोई प्रेजेंट देकर अप्रिशिएट करते थे मुझे वहाँ जाने का सपना था मैंने इतनी प्रैक्टिस इस सेक्शन के लिए करी हुई थी कि रिसेस में मैं इमेजिन करती थी कि पंद्रह सौ लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं और मैं उनके सामने बता रही हूँ और मैंने ये तक प्रैक्टिस किया हुआ था कि जब मुझे चॉकलेट मिलेगी मैं किन लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरे एक्सप्रेशन क्या होंगे पर उम्मीद नहीं थी कभी पिक होंगी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी बट लकीली एक दिन सर की नज़र मुझ पर पड़ गई और सर ने मुझे बुलाया मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा ड्रीम कम ट्रू था वो मोमेंट मैं भागकर स्टेज पर गई और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा क्योंकि मैंने तो बहुत रिहर्सल कर रखी थी ना बट जैसे ही मैं स्टेज पर पहुंची मैंने माइक पकड़ा और बोलना शुरू किया मेरी आवाज़ नहीं एक शोर लोगों तक गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है मैंने कोशिश दोबारा की और दोबारा वो शोर लोगों तक गया वो शोर इतना गंदा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई फटे हुए बांस की आवाज़ है अभी भी जब मैं इंसिडेंट के बारे में बात कर रही हूँ मुझे बम्स आ रहे हैं एंड मैं बहुत छोटी थी कुछ समझने के लिए मैं नम हो गई मुझे वहाँ से उतार दिया गया बट उसके बाद सिचुएशन बदल गई मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी और इतनी सोशली एक्टिव थी उसके बाद मैं बहुत ऑकवर्ड हो गई मैं क्लास में पीछे बैठना शुरू हो गई क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर किसी टीचर ने मुझे उठा दिया और मुझसे पढ़वाया तो एक दो लाइन तो मैं पढ़ लेती थी बट उसके बाद आवाज़ के नाम पर सिर्फ हवा निकलती थी मेरे गले से मेरे फ्रेंड्स मुझ पर मज़ाक बनाते थे स्कूल बस में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और ये होता था कि मैं स्कूल जाने से डरती थी मैं बहुत रोती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना है जब ये इंसिडेंट भैया ने घर पर आकर बताया था तो मुझे पेरेंट्स डॉक्टर के यहाँ लेकर गए डॉक्टर ने बोला कि अगर आपने और लेट किया होता तो इसकी आवाज़ कम्प्लीटली चली जाती मेरे गले में एक प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से दो तीन आवाज़ें एक साथ मेरे गले से आती थी, थी और इसीलिए वो शोर लोगों तक गया था ये पूरी जर्नी तो डिफिकल्ट थी बट साथ में वो जो ट्रीटमेंट का ट्रॉमा था वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट था जो सोशल एंग्जाइटी हम आज सुनते हैं ना उस टाइम मुझे नहीं पता था बट वो मैंने फेस की है मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे और ये चीज़ें चली कम से कम पाँच छः साल और मैंने इसको अपनी डेस्टिनी मानकर एक्सेप्ट कर लिया था फिर पापा का ट्रांसफर हो गया एक नए शहर और हम गांधीनगर पहुंच गए नया स्कूल था नया शहर था नए लोग थे तो मुझे लगा कि चीज़ें कुछ बदल सकती हैं वहाँ एक एनुअल फंक्शन के लिए ऑडिशन हो रहे थे एक ऐसे रोल के लिए जिसमें कुछ बोलना नहीं था बस स्टेज पर जाके खड़े होना था मैंने सोचा ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मुझे स्टेज पर भी जाने का मौका मिलेगा और कुछ बोलना नहीं है बट एनुअल डे से सिर्फ दस दिन पहले डिसाइड होता है कि उसमें कुछ लाइन्स ऐड करनी मैंने मना कर दिया कि मुझसे तो नहीं होगा क्योंकि मुझे तो बहुत बड़ा फोबिया था, था, था स्टेज पे बोलने का कोई बैकअप उन लोगों को नहीं मिला तो डिसाइड हुआ कि मैं ही बोल रही हूँ मैंने प्रैक्टिस कर ली और सब ठीक था बट जिस दिन रिहर्सल की बारी आई स्टेज पे जाने की मैं डर गई मैं स्टेज पर गई और मैं बिल्कुल नम खड़ी थी वो सिचुएशन दोबारा मेरे सामने आ गई थी अब मेरे पास यहाँ दो ही ऑप्शन थे कि मैं हमेशा के लिए उस स्टेज से उतर जाती और फिर कभी ना चढ़ती या फिर मैंने सोचा कि ये तो मेरे साथ हुआ है ना पहले ये फियर तो मैंने पहले फेस किया हुआ है तो मैं स्टेज पर गई और इस बार जब मैंने बोला तो कोई शोर नहीं लोगों तक मेरी आवाज़ गई इनफैक्ट जब एनुअल डे पर परफॉर्मेंस ख़त्म हुई तो ना सिर्फ प्रिंसिपल सर ने बल्कि जो चीफ गेस्ट आए थे उन्होंने पर्सनली मिलकर मुझसे तारीफ़ की और वहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू हुई मैंने असेंबली में पार्टिसिपेट करना शुरू किया मेरा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ मेरी आवाज़ ठीक हो चुकी थी बट जहाँ ये सब चीज़ें ठीक चल रही थी एक और चीज़ थी जो परेशान कर रही थी और वो था इंग्लिश ना बोल पाने का चैलेंज जब स्कूल में मैं गई मेरी क्लास में एयरफोर्स बैकग्राउंड के बहुत सारे लोग थे जिनकी बड़ी हाई फाई इंग्लिश थी एक इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताती हूँ मुझे क्लास में टीचर ने बोला कि आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है उसमें एक वर्ड था ह्यूज एच यू जी ई मुझे नहीं पता था और मैंने उसको हक पढ़ दिया सब लोग बहुत ज़ोर जोर से हंसने लगे और उस वक्त से मेरी इमेज बन गई कि जो नई लड़की आई है ना वो गवार है मैंने ये भी नोटिस किया कि जो लोग इंग्लिश में बहुत अच्छा करते थे वो टीचर्स के फेवरेट थे उनको अटेंशन मिलती थी और मेरी ऐसी इमेज थी कि मैं गवार हूँ तो मेरी लोगों से दोस्ती नहीं हो पाती थी इसका सीधा इम्पैक्ट मेरे एकेडमिक्स पर पड़ रहा था जब मैंने मम्मी को घर जाकर ये बात बताई तो मम्मा ने डिसाइड किया कि वो मेरा इंग्लिश का ट्यूशन लगाएंगी और मैं बहुत गुस्सा हो गई मैंने बोला कि एक तो इंग्लिश के लिए मेरा वैसे ही मजाक बनता है अगर मैं इंग्लिश का ट्यूशन जाऊंगी तो लोग मेरा कितना मजाक बनाएंगे जहाँ नाइन टेंथ में लोग साइंस का और मैथ्स का ट्यूशन पढ़ते हैं मैं इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ने जाऊंगी बट वो सेकेंड ऑप्शन जो लाइफ ने दिया था इस वक्त मेरी मम्मा ने वो मेरे लिए यूज़ किया एंड आई कॉन्ट इवन टेल यू कि उस इंग्लिश की ट्यूशन ने मेरी लाइफ बदल दी जब मैं ट्यूशन में गई तो मुझे पहली बार पता चला कि इंग्लिश में टेंसिस नाम की कोई चीज़ होती है सेंटेंस का कोई फ्रेमिंग स्ट्रक्चर होता है और उसके बाद जब मैं इंग्लिश पढ़ती थी तो मुझे वो स्ट्रक्चर दिखता था फिर लाइब्रेरी में भी मैंने इंग्लिश की किताबें पढ़ना शुरू की इंग्लिश की मूवीज़ देखना शुरू की लोगों से इंग्लिश में बात करना शुरू किया और ये तीन चार साल लगे लेकिन ट्वेल्थ तक आते आते मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी उसके बाद मैंने इंग्लिश डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया और कॉलेज तक आते आते ऐसा हो गया था कि आई वॉज कॉल्ड द स्टेज क्वीन द डिबेट क्वीन तो ये जो जर्नी थी पूरी इसने मुझे मेरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प किया तो जब कॉलेज ख़त्म हुआ मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया मैं मास्टर्स कर तो रही थी बट मुझे लग रहा था कि शायद कुछ मिसिंग है तो इसके चलते मैंने और ऑप्शन ट्राई करने शुरू किए और उस टाइम मुझे बैंकिंग के बारे में पता चला थोड़ा बहुत मैं देखना शुरू कर दिया था बैंकिंग का लेकिन जब मास्टर्स कंप्लीट हुआ कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग गया और तब मैंने कंप्लीट प्रिपरेशन शुरू की बैंकिंग की तो इंग्लिश की जो मेरी तैयारी थी ऑलरेडी उसने मुझे बहुत हेल्प किया और मेरे पास सिर्फ अब दो सेक्शंस थे जिन पे मुझे काम करना था एक रीजनिंग और एक था क्वांट जिसमें मैं बहुत वीक थी तो उन पाँच छः महीने मैंने उस पर काम किया एंड जो मेरा पहला एग्जामिनेशन था आर आर बी पी ओ का वो सिर्फ मेरी छः से सात महीने की प्रिपरेशन में ही क्लियर हो गया और ऐसा नहीं है कि मैंने फेलियर्स नहीं देखे जब मैं बाकी एग्जामिनेशन में फेल हुई मैंने ऑलरेडी अपनी आर आर बी की जॉब ज्वाइन कर ली थी और मैंने उसके साथ साथ फिर प्रिपरेशन शुरू की और इस बार दोबारा मैंने एक और पी ओ का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है ना कि जॉब करते करते आप एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आपको बहुत टाइम लग जाएगा ये सब कुछ एक मिथ है एंड जहां माना जाता है कि आर आरबीपीओ के एग्जाम में लोगों को सेवनटी एट्टी मार्क्स पे इंटरव्यू में नहीं मिलते मुझे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नाइन्टी थ्री मार्क्स मिले और जितने भी यंग एस्पिरेंट्स मुझे देख रहे हैं ना जिनको ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है या फिर हम लोग बहुत एवरेज हैं अगर आप एवरेज हो ना तो आप बहुत ईजिली एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हो मैं मानती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है अब मिथ्स पर आए तो सबसे पहला मिथ होता है कि आपको दस से बारह घंटे पढ़ने पड़ेंगे तो ही आपको एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप छह से सात घंटे भी पढ़ते हो ना लेकिन अच्छे से पढ़ते हो और सही पढ़ते हो तो आपका एग्जामिनेशन बहुत इजिली क्वालिफाई हो जाएगा दूसरा बड़ा मिथ कि आपको एक दो साल लग जाते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने में मैंने ये एग्जामिनेशन खुद पाँच से छह महीने में क्वालिफाई किया है एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये एग्जामिनेशन इससे भी कम टाइम में क्वालिफाई किए होंगे लेकिन अगर आप सही से पढ़ोगे और एग्जाम को समझ कर पढ़ोगे तो आप बहुत इजीली एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो और तीसरा और जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है बहुत ज्यादा नहीं बहुत सही पढ़ना पड़ता है तो मैं बार बार जो बात कर रही हूं ना कि सही पढ़ना पड़ता है एग्जाम रेलिवेंट पढ़ना पड़ता है वो क्या है देखो जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो ना पहले उसको समझो उसका सिलेबस देखो और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आइडेंटिफाई करो उसके बाद जिस सेक्शन का जितना वेटेज उतनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगाओ पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि आपको छोड़ना क्या है तो पहले स्मार्ट वर्क करके सिलेबस में से ये आइडेंटिफाई कर लो कि आपको पढ़ना क्या क्या है और उसके बाद उस सिलेक्टेड पोर्शन पर स्मार्ट वर्क करो फिर स्ट्रैटेजी बनाओ अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो अगर आपकी स्ट्रेंथ और जो एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो मिल गए तो आपका एग्जामिनेशन बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा और उसके बाद टोडोलिस्ट बनानी शुरू करो और टू डू लिस्ट में ये नहीं कि आपको पांच से छह बजे तक क्या पढ़ना है छह से सात तक क्या पढ़ना है बल्कि टॉपिक्स डिसाइड करो कि आज आपको ये टॉपिक कंप्लीट कंप्लीट करना है और वो टू डू लिस्ट आपकी होनी चाहिए एंड एक चीज जो मैं देखती हूँ ना स्टूडेंट्स में कि वो लोग शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो बेसिक्स पर काम करो अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे शॉर्टकट्स आप खुद बना लोगे बस कंसिस्टेंट रहो अगर ये चीज आपने तीन महीने तक कर ली तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि एग्जाम्स को क्वालिफाई करना कितना इजी है एंड जब गिवअप करने का मन करे ना तो खुद को याद दिलाना कि दो ऑप्शन हैं एक हार मान लेना या दूसरा फाइट बैक करना और दूसरा ऑप्शन आपको वहां से यहां ला सकता है जय हिंद इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें